ये कहते ना कीड़ा, मतलब दिमाग में कैसे आया मतलब कि डीजे फील्ड के अंदर ही आपको जाना है? इतने की बड़ा सेटअप होना चाहिए, 20 बेस 30 बेस 40 बेस, और बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन ज़बरदस्त होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, गाली मत दें, क्योंकि जिस बंदे ने सामने डीजे लगाया हुआ वो भी आपका भाई है, स्टाफ है। आप अगर उसे चीज़ मान के कंपटीशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चल रहा है यहाँ आपकी स्टैंडिंग लग रही है, यहाँ उसने टाटा मिला दी। तो दोस्तों आज के ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डीजे ग्रंथम से प्रेम भाई। तो सर वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, एक क्विक अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं डीजे ग्रंथम मुजफ्फरनगर से हूँ। और मैंने डीजे का काम जो है बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और सभी का सहयोग मिलता गया और उसी के साथ मैं जो है आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, बाकी प्रेम जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। काफ़ी कम टाइम में आपने अच्छा नाम किया है, तो सबसे पहले तो माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि ग्रंथम नाम मतलब कैसे रखा? थोड़ा यूनिक सा नाम लगा मुझे आपके साइड का ग्रंथम। तो सबसे पहले तो लोगों को इसकी बायोग्राफी बताइए, ग्रंथम नाम कैसे रखा आपने? एक्चुअली क्या है, मैंने डीजे के नाम पहले कई रखे थे, तो वो जो है कुछ मतलब ऐसे थे जो है देखने में या पढ़ने में अच्छे नहीं लगते थे। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार मैं जो है एक हमारे मुजफ्फरनगर में स्टूडियो ग्रंथ कर गए हैं नितिन भैया, मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि जो है भैया ये मेरे डीजे का नाम है, तो इसे कुछ और अच्छा कर सकते हैं जी? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम एक काम करते हैं और डीजे का एक अच्छा सा लोगो बनाते हैं। ये बात लगभग 6-7 साल पहले की है। तो फिर हम लोग बैठ गए, वो अपना एडिटिंग वगैरह खुद करते हैं, बहुत अच्छी मतलब फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है हमने गूगल पे सर्च किया और ऐसे हमने एक लोगो लिया, उस लोगो को फिर हमने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमको लगभग मान के चलिए 2-3 घंटे उसको जो मेरा डीजे का लोगो है ग्रंथम का उसको बनाने में 2-3 घंटे का समय हमें लगा। और उसके बाद जब से मैंने ये नाम रखा है। बाकी एक चीज़ और, मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा मीनिंग जानना चाहता हूँ ग्रंथम मतलब इसका मीनिंग कुछ। एक्चुअली क्या है, जो ग्रंथम है ये एक इंटरनेशनल बाहर का डीजे है। ओके, तो मैंने उसको जो है उसके जैसा लोगो, उस सेम वही नहीं, उससे अलग लोगो करके बनाया और एक आइडिया लेके, हाँ उससे आइडिया लेके। और एक ग्रंथम एक जो है मुजफ्फरनगर में बहुत सारे डीजे हैं, लेकिन आप जैसे किसी का नाम लेंगे वगैरह वगैरह तो उसमें ग्रंथम एक सुनते हैं तो मतलब अलग सा लगता है, और इस तरह का कोई ऐसा नाम भी नहीं है मुझे। काफ़ी यूनिक नाम है। यस। ओके, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि स्टार्ट आपने इस सेटअप को कब किया, स्टार्टिंग आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ एक्चुअली स्टार्टिंग तो मेरी जो है वो मतलब मैंने कभी माइंड में सोचा नहीं था कि मुझे डीजे का काम करना है, और मेरा फील्ड भी नहीं था ये। ओके, इससे पहले मैं जो है BPO सेक्टर में था, तो वहाँ से मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद, क्योंकि वो जो है बहुत सारी कॉलें आती थी और हम उनको जो है सही से नहीं मतलब सेटिस्फाई करते थे या जो भी वहाँ पे थी कुछ, तो मैंने वो छोड़ के और फिर मैं वापस मुजफ्फरनगर आ गया। और मैंने यहाँ पे आके ऐसे ही एक दोस्त था उसको मैंने पैसे उधार दे दिए। ओके, मतलब उसने पैसे उधार मांगे मेरे से, मैंने उसको दे दिए, वो डीजे का काम करता था जी। तो फिर 2-3 महीने हो गए मैंने उससे पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए मेरे। ओके, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर उसने कहा कि मैं काम करता हूँ पैसे तेरे वसूल करवा दूँगा इससे ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है, उसने कहा बुकिंग पकड़ लेना जी। तो क्या है, मेरा मुजफ्फरनगर में फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से यहाँ रहा हूँ और मतलब बचपन से यही हूँ मैं बेसिकली, वैसे हूँ मैं लखनऊ का। ओके, लेकिन क्या है मतलब पढ़ना खेलना खाना सब लोगों यहीं के साथ हुआ, दोस्तों के साथ, तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा क्या करा, 2-4 लोगों को बता दिया ऐसे ही। ओके, मैंने कहा मैंने डीजे का काम स्टार्ट किया है और जो है कुछ काम हो तो बताना। तो बताने के 3-4 दिन बाद ही मेरे पास 2 बुकिंग आ गई। ओके, मैंने उसको बताया मैंने ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं जी हम काम करेंगे। उसने काम किया, सेटअप लगाया, लगाने के बाद जो है मेरे जो 5,000 रुपये थे वो जो है दूसरे दिन ही वसूल हो गए, मतलब मेरे पास आ गए उससे और 1,500 फालतू। ओके, तो मुझे लगा कि यार जो है पार्ट टाइम काम है क्यों ना इसे पार्ट टाइम कर लिया जाए, मतलब बढ़ाया जाए काम जी। तो ऐसे मैंने 2-4 दोस्तों को और बताया, थोड़ा व्हाट्सएप पे DPP लगाया और बस ये काम जो है मेरे को नेक्स्ट मंथ से ही बहुत सारा स्टार्ट हो गया। ओके, प्रेम जी जैसे आपने बताया कि मतलब आप अदर फील्ड में थे और एकदम डीजे फील्ड में आए, तो स्टार्टिंग मतलब कितने टॉप से स्टार्ट किया था, टॉप बेस वगैरह सेटअप? एक्चुअली उस टाइम मैंने जो है उसको 5,000 रुपये दिए थे, तो उसने मेरे को बोला कि जो है सेकंड हैंड टॉप ले लेते हैं, और उसने मुझे जो है 2 टॉप दिखाई, बोला कि 10,000 के हैं ये जी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जब इंटरेस्टिंग सा काम लगा लोग, क्योंकि मेरा क्या है
जो है नए नए लोगों से मिलना, दोस्त बनाना मेरा मतलब पहले से ही था। ओके तो फिर इसमें नए लोग मिलते थे, नया फील्ड था, तो हमने क्या ठीक है उसने बोला पहले से इन्वेस्ट करने हैं। फिर हमने दो ली, उसके बाद चार लिए, चार से हमने वो पुरानी हो गई फिर बेच दी उनको, फिर मैंने नया माल ले लिया। ओके तो ऐसे ऐसे करते करते जो हमने ये काम स्टार्ट किया, और फिर स्टार्टअप में बीच में हमें जो है सहयोग मिला, जैसे अभी एक योजना चली थी बैंक में मुद्रा योजना जो मोदी जी ने चलाई थी जी, तो उसमें मुझे लोन अप्लाई किया था और लोन हो गया मेरा, तो लोन सेंक्शन हो गया था मेरा 2.5 लाख का। मैंने फिर बैंक वाले से पूछा कि सर मैं कितना दे सकता हूँ मंथली, कितना आएगा? वो बोला उससे कि लगभग 6,000 रुपये के आसपास आएगा। मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा, फिर मैंने 3100 रुपये सेट कर दो आप। okay. तो उसने 3700 रुपये मेरा सेट कर दिया और मेरा 4 साल का लोन था लगभग, और वो जो है मैंने 1.5-2 साल में ये काम करके डीजे का इसी से मैंने दे दिया। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब अदर फील्ड में थे आप स्टार्टिंग में, तो एक कहते ना कीड़ा, मतलब दिमाग में कैसे आया मतलब कि डीजे फील्ड के अंदर ही आपको जाना है? क्या फील्ड भी हैं, बहुत सारे हैं, कर भी रहते हैं, बहुत सारे हैं और मैं कर भी रहा था। तो मुझे ना एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा और मैंने किसी से लोगों से सुना भी था कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी चीज का आपको शौक है, अगर आप उस अपने शौक को ही अपना काम बना लो तो आप जो है उसे बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कर सकते हो और आप जो है उसमें बोर भी नहीं होंगे। okay. आपको उस काम को करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि मुझे शौक है ड्राइविंग का, तो क्या हुआ एक बचपन में मेरा एक दोस्त था वो गाड़ी बहुत तेज चलाता था। ओके तो मैं उसके बराबर में बैठा करता था, तो मैंने कहा यार मुझे भी सिखा दे गाड़ी चलाने, तो उसने कहा ठीक है चल आ जाएगी। तो अभी जैसे मेरे को आ गई गाड़ी चलानी, तो मुझे गाड़ी ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब मैं आप मेरे से कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे चलवा लो तो मैं बोर नहीं होऊंगा। ओके थकूंगा नहीं। तो ऐसे ये फील्ड है, इसमें अपना जो है अपना काम करो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके एक चीज़ बताओ सर, जैसे कि अभी बालाजी यात्रा हुई अभी जन्मोत्सव का, और काफ़ी अच्छा सेटअप लगा मुझे भी पर्सनली, काफ़ी मतलब प्रचलित हुआ आप उसमें, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा वहाँ से आपका? सर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बालाजी महाराज की कृपा है कि मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा और इतने लोगों का प्यार मिलेगा। आप यकीन करेंगे उसी समय जब सेटअप हमारा लगा हुआ था उससे पहले ही लोग आके बैठ गए थे और सेटअप को देख रहे थे, मतलब टेस्टिंग के लिए लगभग आधा आधा पौना पौना घंटा लड़के वहाँ पे खड़े रहे, जो हमारे यहाँ के जनता है ऑडियंस है वो खड़ी रही वहाँ पे कि टेस्टिंग देखनी है कैसी हुई। फिर हमने कहा टेस्टिंग हम अगले दिन करेंगे, तो वो फिर नेक्स्ट डे फिर आए, फिर उन्होंने जब स्टार्ट हो गया डीजे देखा सब ने बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद कम से कम 50 से 60 लोग हमें मुझे वहीं पे जो है बोल के गए कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा कितने दिन से तैयारी चल रही थी मतलब यहाँ के लिए यात्रा के लिए आपकी? तैयारी तो मान के चलिए हमने लगभग 15 दिन पहले जो है 20 दिन पहले ये तैयारी शुरू कर दी थी। जो है हमने इसमें जो जो हमारी टॉप बेस या जो भी लाइटिंग वाइटिंग थी वो सब हमने अपना जो है रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। ओके और लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया सेटअप और इतना बड़ा सेटअप होगा। ओके तो वहाँ से मतलब बहुत सारे डीजे सेटअप लग रहे थे, और शायद मेरे अकॉर्डिंग सबसे कम जो सेटअप आपका छोटा मतलब आपका लग रहा था। तो बाकी फीडबैक में मतलब लोगों ने कुछ आपसे मिले पर्सनली कुछ कॉल्स वगैरह या कहीं के लिए आपके लिए बुक वगैरह कुछ? मुझे बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रखे, सारे डीजे ऐसे आए हुए थे, और जो है मेरठ से भी कुछ लोगों के रिस्पांस आए, फ़ोन आया, मैसेज आया हुआ है, और यहाँ के भी बहुत सारे लोग थे जो मेरी पार्टियाँ थी मेरी जिनके मैं कंटिन्यू काम करता रहा हूँ काफ़ी पहले से, वो लोग भी मुझे मिले वहाँ पे, उनके मैसेज आए हुए हैं, तो मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा। सर एक चीज़ और बताओ कि जैसे मतलब स्टैंडिंग वगैरह हो गया, अपना कंपटीशन का काम तो आप करते ही हो, इसके अलावा अधर मतलब क्या क्या इवेंट्स का वर्क और रहता आपका? मेरा वेडिंग्स का रहता है अधिकतर, जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो करते हैं, और उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, जैसे क्लब के मुजफ्फरनगर में मैं तो यहाँ के क्लब वगैरह के काफ़ी काम रहते हैं, और मॉडलिंग वगैरह के काम हम काफ़ी करते हैं। एक हमारे अपने यहाँ पे एक भैया हैं वो मॉडलिंग के काम कराते हैं, टैलेंट निकालते हैं बच्चों का। okay. तो जो है वो हमने जो है पहले सीजन से उनके साथ में आऊँ, और हमने लगभग 7 सीजन कर लिए अब तक। ओके अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँ, जैसे कि अभी यात्रा में देखा आपका बड़ा सेटअप लग रहा था, इसके अलावा अदर बड़ा सेटअप पहले कभी लगाया आपने? हाँ पहले हमने एक बार खाटू श्याम जी का था तो उसमें लगाया था जी, वो हमारा पहला सेटअप था। तो जो है उसमें एक्सपीरियंस जो था अच्छा नहीं रहा था हमारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने लगाया था, तो इसलिए मतलब था अच्छा लेकिन जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जो मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन दे। ओके और एक चीज़ और बताओ, जो ये अपना कंपटीशन होते हैं रोड शो पे, उसके बारे में क्या राय है आपकी? कंपटीशन के बारे में तो राय ये है कि भाई ठीक है अपना
ऐसा करना चाहिए जो किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं तो इस तरह के जो बड़े ज़्यादा कंपटीशन वाले सेटअप होते हैं वो मैं नहीं लगाता हूँ। नहीं, एक ट्रेंड और, सिर्फ बालाजी यात्रा को छोड़ के और मैं उस ज़्यादा अधिकतर कहीं नहीं लगाता। एक ट्रेंड और चल रहा है, यहाँ आपकी स्टैंडिंग लग रही है, यहाँ उसने टाटा मिला दी, ये स्टैंड बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम। सर वो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि जो है अभी कोई डीजे वाले थे, उन्होंने मेरे डीजे के सामने लाके अपना पूरा खड़ा कर दिया और फिर मुझे बोले बजाओ। तो मैं एक बात बताओ, जब मैं आपके गेट के आगे कोई चीज़ लाके खड़ी कर दूँगा और बोलूँगा आप गेट खोलो, तो कैसे खुलेगा? बिल्कुल, या तो खोलूँगा भी तो कैसे आपको दिखूँगा? नहीं, आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक है या गलत? ये सही नहीं है। आपको अगर कोई कंपटीशन करना है या कोई भी आपको इस तरह का काम करना है तो आप उसको अपने एक लेवल में लेके चलें, सामने वालों को भी मौका दें और आप खुद भी, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता कि उसके सामने खड़ा कर दिया और जो है, बाकी लोगों की अपनी अपनी राय है। चलो बाकी सर पर्सनली काफ़ी सारी बातें हो गए हैं, अभी कांवड़ यात्रा की क्या तैयारी चल रही है अभी? धमाका कर सकते हो क्या? कांवड़ यात्रा के लिए जो है मेरे पास पहले से ही फ़ोन आया था जी, जो पिछली बार एक बड़े डीजे को लेके गए थे उनका फ़ोन आया था कि पहले बाला यात्रा में लगा दो और फिर मेरे साथ जो है कांवड़ में चलो। ओके, तो ये कांवड़ में जाने वाला जो है ये काफ़ी दिन का हो जाता है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो इस वजह से मैं शहर से बाहर नहीं जा पाता। हालांकि बाहर के काम मैंने किए हैं, नहीं जैसे मैंने दिल्ली में किया, एक 5-स्टार होटल है वहाँ से काम आया था मेरे पास जी, तो मैं वहाँ पे साउंड लगा के कॉर्पोरेट मीटिंग की वो करके आया हूँ, और मैंने इधर आपका देहरादून तक किए हैं काम, और मैंने अभी कस्टरमेंट के सामने एक आरोग्य होटल है, मैंने 2 दिन का काम था वहाँ का किया था जी। तो इस तरह के मैं वेडिंग्स वाले ही ज़्यादा करता हूँ, इसमें मुझे मज़ा आता है। बाकी कांवड़ में मैं क्या करता हूँ, एक मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा शिविर लगता है 9 दिन का, कंपनी बाग है उसका गेट नंबर 2 पे। ओके, और मैं वहाँ पे हर साल बोलों की सेवा करता हूँ, वहीं पे डीजे लगाता हूँ, अपना भोले आते हैं वहाँ पे, खाते हैं पीते हैं और अपना नाचते हैं डीजे पे। और इस बार मैं मुजफ्फरनगर का सबसे अच्छा डीजे वहीं पे लगाने वाला, जो डीजे लगेगा शिविर में वो पूरे मुजफ्फरनगर में इस बार सबसे अच्छा जो डीजे लगेगा वो हमारे शिविर में लगेगा, बाबा बर्फानी सेवा संघ में। एक चीज़ और बताओ, जैसा भी आप बता रहे हो कांवड़ के लिए आपको कॉल आ रही है, तो मतलब पार्टी की डिमांड आपसे क्या रख रहे हैं, मतलब सेटअप की? यही रखते हैं कि बड़ा सेटअप होना चाहिए, 20 बेस 30 बेस 40 बेस, और बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन जबरदस्त होना चाहिए। okay. तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए मैं नहीं जाता, क्योंकि मान के चलिए कम से कम 2 महीने का समय उसमें लग जाता है, क्योंकि 1.5 महीना पहले तैयारी करो, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आके फिर तैयारी करो। ओके, और जो जब इतना ज़बरदस्त बजता है तो जैसे कि कांवड़ में 2-3 महीने का पहले समय लगता है जी, फिर उसके बाद का समय लगता है आगे, और जो हमारा साउंड सिस्टम होता है उसमें जब कॉम्पिटिशन होता है हर किसी से तो उसमें जो है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो इसलिए जो है मैं ये नहीं करता, कांवड़ में नहीं जाता। तो अभी मतलब चांस है जाने के या भी नहीं, या भी सोच विचार कर रहे हो अभी? नहीं, हमारी टीम के काफ़ी लोगों ने बोला है, मतलब कि जैसे कि बालाजी यात्रा के बाद मेरे पास एक बुकिंग आई तो मैंने अपने साथी को भी बताया, तो जो है लेकिन मैंने उनको भी मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं अगर आप कम लग रहा है तो मैं इसमें आप 150,000 रुपये और बढ़ा लो, लेकिन मैं फिर वही बात है ना, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है जी, और दूसरा फिर इतना बड़ा सेटअप लेके चलना जो है थोड़ा मेरे लिए सही नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता, मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। बाकी सर थोड़ा टीम वगैरह के बारे में बताओ, टीम में कौन कौन है, कैसे चलता है, कैसे मेंटेन होता है टीम वगैरह? देखिए कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, कोई भी काम हो बिना टीम के होता ही नहीं। जी बिल्कुल, अगर आपकी टीम मैनेजमेंट सही है तो जो आपका काम बहुत अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा और जो है समय पर भी होगा। तो इसीलिए हमारे पास हमारे साथी हैं विपिन भाई और जो है पप्पू भाई हैं, और बाकी और भी लोग हैं, अमन है एक हमारे पास जो काफ़ी अच्छा काम देखता है। अब बाकी आपका जो सेटअप के अंदर आपका क्या रोल है, मतलब आप क्या चीज़ हैंडल करते हो अपने सेटअप में? मैं सब चीज़ देखता हूँ। ओके, लेके बुकिंग से लेके और जब तक मेरा डीजे सेटअप रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं जो है सारी चीज़ें देखता हूँ। ओके, बाकी करते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब तक मैं, क्योंकि क्या है बुक मैं करता हूँ तो जब तक काम रेडी ना हो जाए पार्टी मुझे कॉल कर, क्या सेटअप लगवाना है, क्या लगवाना है, कैसे लगवाना है, क्या चीज़ है, ये जब रेडियो जाता है तो फिर मैं जो है कहीं भी चला जाता हूँ, मतलब टेंशन फ्री हो जाता हूँ। ओके, अच्छा प्रेम जी एक चीज़ बताइए, वहाँ इतना बड़ा सेटअप लगाया था अपने यात्रा में और पूरी टीम बैठी है, तो टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए कौन? ये हमारे पप्पू भाई हैं जी, जो मेरी सफलता है ये बालाजी यात्रा में मेरे डीजे ग्रंथम की उस सफलता में पप्पू भाई का, विपिन भाई का और जोनी भाई का जो है सबसे बड़ा सहयोग है। ओके, अगर ये लोग ना होते तो उसमें जो है जो हम यहाँ पहुँचे हैं, जो मैं शहर में हमारा नाम हुआ है और जो हमारे ऑडियंस को, क्राउड को इतना पसंद आया, वो चीज़ नहीं आ पाती अगर ये लोग ना होते। बाकी पप्पू भाई एक चीज़ बताइए, वहाँ आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया यात्रा में, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका वहाँ पे?
रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, और जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई, और प्रेम भाई का नाम हुआ और पूरी टीम का सहयोग है इसमें, अकेले का सहयोग तो, अकेले के सहयोग से तो कभी कुछ नहीं होता। बाकी एक चीज़ है, प्रेम भाई का व्यवहार आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवहार है भैया का, एक टीम मैनेजमेंट अपना बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आदत भी बहुत अच्छी है, और बातचीत करने का तरीका और काम में भी ध्यान रखते हैं ऐसी बात नहीं। अब बाकी आगे के लिए क्या सोच रखा है सेटअप को लेकर, क्या और धमाका करना है अभी, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट? हाँ, कावड़ की तैयारी है बस अब तो अपनी। ओके, बाकी विपिन जी आप बताइए, इतना बड़ा सेटअप लग रहा था वहाँ पे, क्या फीडबैक मिला लोगों का, क्या प्यार मिला वहाँ से? अनुभव की प्राप्ति के लिए हमने ये सेटअप करा था जी, सो हमें मिला पैसा, तो अब कमाने का हमारा समय आया है, अब कमाएंगे हम पैसा। अब बाबा ने चाहा तो शायद कावड़ में भी हम अपना रुतबा दिखाएं। ओके, बाकी जो टीम थी पूरी, टीम का मैनेजमेंट कैसा लगा? टीम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, शायद ही किसी के पास ऐसी टीम हो जैसी मेरे पास टीम थी, विशेषकर इन दो बंदों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, पप्पू भाई और जोनी भाई। मैनेजमेंट प्रेम भाई का अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। खाने पीने की व्यवस्था, किसी बच्चे को कोई अपनी तकलीफ हुई तो उसके लिए तुरंत खड़े रहे, ये हमें बहुत बढ़िया लगा, बहुत हर चीज़ का अनुभव मिला बहुत अच्छी तरह से। Okay. कि जोनी भाई आप थोड़ा बताइए कि कब से ग्रंथम डीजे में आप टीम में, मतलब कब से हो, कितने टाइम से हो? यही कोई, मेरा नाम जोनी है, यही कोई लगभग प्रेम भाई के साथ में हम महीने दो महीने से, मैंने मेरे तो इन विपिन भाई से जान पहचान थी, उसके बाद में इनके बाद में मुझे प्रेम भाई मिले, प्रेम भाई से जान पहचान हुई, उसके बाद में इनसे इनकी टीम आई। बाकी आपको प्यार कैसा मिलता है टीम? प्यार बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक परिवार में रहते हैं ना, ऐसा प्यार मिलता है। अब बाकी प्रेम जी कुछ बताना चाह रहे हैं जोनी भाई के बारे में? जोनी भाई का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और जोनी भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसा सीरियस अभी दिख रहे हैं ऐसे है नहीं, बहुत ही मतलब मजाक वजाक करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, तो जो है सब लोग हमारी टीम के जो पुराने बंदे थे वो जोनी भाई के फैन हो गए और जोनी भाई का नाम जो है जपते हैं। ओके, तो ऐसे हैं हमारे जोनी भाई, एक मजाक वाली बात थी, और अब इसमें ये है कि हमारे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी कमेटी के मेंबर्स को, राहुल भैया को और राकेश भैया को, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और ये इतना बड़ा काम उन्होंने हमें दिया, तो मैं अपनी पूरी टीम की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सभी अपने डीजे वाले भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी आप कॉम्पिटिशन करें, दिल खोल के करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि गाली मत दें, क्योंकि जिस बंदे ने सामने डीजे लगाया हुआ वो भी आपका भाई है, स्टाफ है, आप अगर उसे चीज़ मान के कॉम्पिटिशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप ये सोचोगे कि वो कोई दुश्मन थोड़े यार ऐसे गाली देते हैं कॉम्पिटिशन करने के टाइम पे, तो वो गलत है। गंदे गंदे डायलॉग चलाने और धार्मिक स्थान पर डीजे लगा हुआ है, जैसे कावड़ हो गई और बालाजी यात्रा हो गई, तो कहीं भी कोई भी अम्बेडकर यात्रा हो गई, कहीं भी आपने उसमें लेडीज भी आती हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, उसमें आप गलत गलत डायलॉग चलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और बताइए, अभी जैसा आप सेटअप चला रहे हो ग्रंथम के नाम से, तो कितनी टॉप बेस लाइन वर्क, टोटल कितना सेटअप है अभी आपके पास? हमारे पास 12-14 टॉप हैं, 20 बेस हैं, शार्पी लाइनर और LEDs हैं, बहुत सारा सामान है, क्योंकि थोड़े में तो काम चलता ही नहीं है, मतलब पूरा बड़ा सेटअप। हाँ जी हाँ, पूरा बड़ा सेटअप, क्योंकि एक हम लोग एक साथ जो है कई कई शादियाँ अटेंड कर लेते हैं, जैसे अभी एक आपका देवटी काशी थी, तो उस दिन मैंने जो है लगभग एक ही दिन में 8-10 काम किए थे। ओके, दिन रात के मिला के 8-10 काम मैंने किए थे उस दिन। ओके, और हमेशा ऐसा होता है, एक काम तो होता ही नहीं है, लगभग मान के चलिए एक दिन में 3-4 काम तो होते ही होते हैं। ओके, बाकी सर काफ़ी आप टाइम बता रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, बाकी एक सेटिस्फेक्शन मिलता आपको कि हाँ इस फील्ड में आए हैं, थोड़ा खुशी वगैरह मिलती है आपको? हाँ, इस काम से मुझे बहुत सारे यहाँ मतलब अर्निंग भी अच्छी हुई है, और इससे मैंने जो मेरे मतलब सपने थे मैंने वो पूरे किए हैं। ओके, और मेरे साथ जो है लगभग मान के चलिए 8-10 लड़के मेरे साथ जो है वो भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब हम लोग एक फैमिली की तरह अच्छा काम करते हैं, और बहुत सारा प्यार जो है हमें मुजफ्फरनगर से मिलता है लोगों से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें रिपीट करके काम, जिनके साथ हमें 2-3 साल ऐसे हो गए कि हम उनके घर में हर साल कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके, बाकी तो एक मतलब पार्टी से रिलेशनशिप बन गई है हमारी। ओके, बाकी सर जाते जाते कुछ मैसेज डीजे इंडस्ट्री में, डीजे इंडस्ट्री के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो है सभी लोग बहुत अच्छे से काम करें, और जो हमारी पार्टी है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है वो लोग भी जो डीजे लाइन से संबंधित वर्कर्स हैं उन्हें भी जो है बहुत अच्छे से ट्रीट करें, और बाकी तो सब हो ही रहा है ठीक,
थोड़ी मोड़ी कमियाँ तो चलती रहती हैं, हम लोग भी इग्नोर करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मतलब अगर कोई डीजे वाला है या कोई वो है तो वो ये चाहता है कि आपके घर में खुशियाँ आएँ जी, तो वो उसमें शामिल हो। तो इसीलिए जो है कोई डीजे इंडस्ट्री हो तो उसके वर्कर्स को बहुत ही प्यार दें, अपना छोटा भाई समझें। दोस्तों अभी आवाज़ आते हैं डीजे ग्रंथम मुजफ्फरनगर से प्रेम जी, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।